हे हाय, इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स लेंस के बेसिक्स को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस को भी जानेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए अगर किसी स्पेसिफिक केस को देखना हो तो तुम टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो फिर जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझो कि कॉन्वेक्स लेंस दिखती कैसे है। देखो, इन रियलिटी कॉन्वेक्स लेंस दिखने में कुछ ऐसी होती है जो कि पूरी की पूरी कांच से बनी होती है। इसे हम डायग्राम में कुछ इस तरह शो करते हैं। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो एक नॉर्मल ग्लास के कंपैरिजन में इस लेंस का टॉप और बॉटम पार्ट थिन होता है और मिडल वाला पार्ट थिक होता है, जिसके कारण इससे ट्रैवल करने वाले रेज कन्वर्ज हो जाते हैं और इसीलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। एक लेंस की खास बात यह होती है कि इसमें दोनों साइड से लाइट ट्रैवल कर सकती है और इसी के कारण एक लेंस को दो फोकस होते हैं, जिन्हें हम फोकस F1 और फोकस F2 के नाम से जानते हैं। ये दोनों फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड होते हैं और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड होता है लेंस का मिड पॉइंट, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि डिनोट किया जाता है लेटर कैपिटल O से। ये दोनों ही फोकस ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं और उतना ही डिस्टेंस आगे लेंस के कर्वेचर के सेंटर भी लोकेटेड होते हैं, जिन्हें हम C1 C2 बोलते हैं या फिर 2F1 और 2F2 भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इन दो पॉइंट्स को 2F1 और 2F2 इन नोटेशन से जानेंगे। तो ये था लेंस का बेसिक्स। अभी इसके इमेज फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के लिए तुम्हें 4 रूल्स ध्यान में रखने होंगे, जिसमें कि पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेस की जरूरत होती है जिनका ओरिजिन सेम हो। रूल नंबर 2 के हिसाब से जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरल जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस के फोकस से ट्रैवल करती है, कुछ इस तरह। रूल नंबर 3, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। एंड फाइनली रूल नंबर 4, फोकस से जाने वाले रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरल ट्रैवल करते हैं। मिरर के केस में भी यही सेम रूल थे। जिन्होंने उन वीडियोस को देखा है उन्हें ये याद होंगे, अगर नहीं देखा तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद उन्हें तुम देख सकते हो। चलो अभी इमेज फॉर्मेशन को ध्यान से समझते हैं। देखो, इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन सेंटर, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द फोकस एंड फाइनली ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इन सब को मिला के ये टोटल 6 केसेस बन गए। इन सब में हम इमेज की लोकेशन, नेचर और साइज को जानेंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं केस नंबर 1 से। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसके रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करते हैं और रूल नंबर 2 के हिसाब से पैरेलल ट्रैवल करने वाला रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाता है, तो ये रेज भी फोकस F2 से ही जाएंगे। यहाँ पे ये दो रेज इंटरसेक्ट करते हैं, वही हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो इस केस में हमारी इमेज फॉर्म होगी फोकस F2 पे। इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड और इसकी साइज होगी पॉइंट जितनी छोटी, जिसे हम डिमिनिश भी कह सकते हैं। अभी समझते हैं सेकंड केस को, ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड 2F1। चलो, रूल नंबर 1 के हिसाब से पहले तो हम दो रेज को ड्रॉ करेंगे। एक रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल और एक रे इंसिडेंट होगा ऑप्टिकल सेंटर पे। तो रूल नंबर 2 और 3 के हिसाब से पैरेलल रे फोकस से होकर जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर वाला रे सेम लाइन में ट्रैवल करेगा। तो यहां पे भी पैरेलल रे फोकस से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर वाला रे स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ये दोनों रेज जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वही हमारी इमेज फॉर्म होगी। अभी क्योंकि हमारे रेज ऑब्जेक्ट के सिर से निकले थे, इसीलिए जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे भी ऑब्जेक्ट का सिर ही आएगा, तो हमारी इमेज कुछ इस तरह फॉर्म होगी। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये फॉर्म होगी F2 और 2F2 के बीच में, क्योंकि ये उल्टी फॉर्म हुई है
इसीलिए इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज में ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया होगा। अभी शायद तुम्हें रूल्स याद हुए होंगे, तो इसके आगे के केसेस हम थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर। तो सबसे पहले हम दो रेज को ड्रॉ करेंगे। पहला रे रूल नंबर 2 को फॉलो करेगा और दूसरा रे रूल नंबर 3 को। ये दोनों रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे हमारी इमेज वहीं पे फॉर्म होगी। तो इस केस में हमारी इमेज फॉर्म होगी सेकेंड सेंटर पे, यानी कि 2F2 पे। तो इमेज की लोकेशन होगी 2F2। ये भी उल्टी फॉर्म हुई है, इसीलिए इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर बात करें इसकी साइज की, तो ये होगी इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। नाउ केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगेन सबसे पहले हम दो रेज को ड्रॉ करेंगे। पहला रे जाएगा कुछ इस तरह और दूसरा रे जाएगा कुछ इस तरह। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें इमेज की लोकेशन दे देगा और यहां पे बनेगी हमारी इमेज। अगर इमेज को देखा जाए तो ये फॉर्म होगी बियॉन्ड 2F2। ये भी उल्टी फॉर्म हुई है, इसीलिए ये भी रियल और इन्वर्टेड कहलाएगी। और साइज को देखोगे तो इसे हम एनलार्ज बोलेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस F1। तो सबसे पहले हम दो रेस को ड्रॉ करेंगे। पैरेलल रे फोकस से होकर जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर वाला रे स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा। देखो इस केस में दोनों रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को पैरेलल है, इसीलिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा एट इन्फिनिटी। तो क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब हमारी इमेज फॉर्म होगी एट इन्फिनिटी। इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड और साइज होगी हाईली एनलार्ज्ड। अभी समझते हैं लास्ट केस, केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये वाला केस काफी यूनिक है, तो इसे ध्यान से देखना। यहां पे सबसे पहले हम दो रेज को ड्रॉ करेंगे। पहला रे जाएगा फोकस से कुछ इस तरह और दूसरा रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरह। अभी इन दोनों रेज को ध्यान से देखो। ये दोनों रेज एक दूसरे को पैरेलल नहीं है और ये आगे जाके इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते, बट अगर तुम इन्हें पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये पीछे जाके इंटरसेक्ट करेंगे कुछ इस तरह। और क्योंकि हमारी रेज ऑब्जेक्ट के सिर से निकली है, इसीलिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का सिर होगा और हमारी इमेज कुछ इस तरह फॉर्म होगी। अभी अगर तुम इसकी लोकेशन को देखोगे तो ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रेज से फॉर्म हुई है, इसीलिए ये वर्चुअल भी होगी। और ये सीधी है, इसीलिए हम इसे इरेक्ट भी बोलेंगे। और अगर साइज की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी होगी, इसीलिए हम इसे एनलार्ज्ड बोलेंगे। तो ये है हमारा 6th केस। तो इसी के साथ हमारे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, और अगर कोई डाउट्स हो तो वो कमेंट सेक्शन में डालो। और अगर अभी तक तुमने मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केसेस को नहीं देखा तो इन दो वीडियो पे क्लिक करो। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी इसके अगले पार्ट का भी काम चालू है, तो मिलता हूं मैं आपसे सीधा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।